फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा, आज मैं आपको जो हिबिस्कस में ब्लैक कलर के एफिड्स लग जाते हैं उन्हें भी बात करने वाली हूँ। तो ये देखिए, इस तरह से कलियों पे पूरे बिल्कुल चिपक जाते हैं बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में। तो इनको हमको किस तरह से ठीक करना है वही मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो इनको हमको किस तरह से हटाना है अपने प्लांट से ताकि हमारा प्लांट अच्छा रहे। देखिए कितनी सारी कलियाँ आई हुई हैं मेरे प्लांट पर, कितनी ज़्यादा मात्रा में। और आपको पता ही है मेरा ये प्लांट हमेशा ही बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता रहता है, लेकिन ये थोड़ा सा इन्फेक्टेड हो गया, मतलब कि इसमें बहुत ज़्यादा अटैक हो गया है। ये देखिए ब्लैक एफिड्स का सभी ब्रांच पर हो गया। तो बस मैंने भी थोड़ा सा लेट कर दिया और काफ़ी ज़्यादा, मतलब एक पहले तो एक दो कलियों में ही था और अब धीरे धीरे पूरे देखिए फ्लावर के अंदर पूरे किस कदर ये घुसा हुआ है। तो इसके लिए हमको बिल्कुल एक फ्री का, मतलब ऑर्गेनिक है, बहुत ही आसान है, आप उसको यूज कर सकते हैं अपने गार्डन में और उसी को मैं बताने वाली हूँ। वैसे बहुत सारे विकल्प हैं आपके पास, आप केमिकल इंसेक्टिसाइड भी यूज कर सकते हैं, उसमें आप इमिडाक्लोप्रिड यूज कर सकते हैं, नीम ऑयल का स्प्रे भी आप कर सकते हैं, नीम ऑयल ऑर्गेनिक होता है तो उसके स्प्रे से भी हट जाएंगे। लेकिन अभी जो बिल्कुल हम फ्री का एकदम तैयार है हमारे घर पे, तो हम उसी को करके देखते हैं और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। मैंने नहीं, कई लोगों ने मतलब उसको ट्राई किया हुआ है तो काफ़ी लोगों ने बताया कि इसका रिजल्ट इस कीड़े पर बहुत ज़्यादा असर करता है। तो मैं भी सोच रही हूँ जब फ्री में ही बिल्कुल मतलब ऑर्गेनिक तरीके से इसको ठीक किया जा सकता है तो इंसेक्टिसाइड केमिकल का मैं यूज क्यों करूं, तो वही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं। तो यहां पर देखिए मैंने ली है ये लकड़ी की राख, लकड़ी या उपले किसी की भी राख आप ले सकते हैं। ये मैंने लकड़ियों की ही राख ली है जो एक मतलब अच्छा पेस्टिसाइड फंगिसाइड भी आप कह सकते हैं इसको, और आप इसको मिट्टी में मिला सकते हैं और प्लांट के ऊपर भी स्प्रे कर सकते हैं। उससे बहुत सारे कीड़ों के अटैक से मतलब कि फ़ायदा होता है। तो मैं इसी को स्प्रे करने वाली हूँ। तो उसके पहले हमको क्या करना है, आपको पानी लेना है एक स्प्रेयर में, स्प्रेयर है तो स्प्रेयर से, नहीं तो आप किसी भी माध्यम से उसको मतलब थोड़ा गीला कर लीजिए ब्रांच को जहाँ पर भी लगे हुए हैं। वैसे पानी के स्प्रे से भी साफ़ हो जाते हैं कुछ टाइम के लिए, लेकिन उसके बाद क्या होता है फिर बाद में ये फिर से वापस आ करके चिपक जाते हैं। तो हमको अभी क्या करना है, तो यहाँ पे देखिए मेरे कलांचों के प्लांट रखा है तो मुझे यहाँ से इसको हटाना पड़ेगा, नहीं तो ऊपर से गिरेंगे तो ये सीधा इसमें आ जाएंगे। तो चलिए मैं इसको हटा देती हूँ। तो सबसे पहले हमको इस तरह से पानी के स्प्रे से इसको हटाना है। ये देखिए मतलब इसको गीला कर लेना है आपको ताकि इसमें हम जब राख का इस्तेमाल करें तो ये अच्छे से चिपक जाए इसमें और धीरे धीरे ये पूरे मतलब सभी कलियों को और फूलों को ठीक कर देगा। तो आप एक बार कर सकते हैं, दो तीन बार कर सकते हैं, आपको दो तीन बार भी करना पड़ सकता है क्योंकि थोड़ा ज़िद्दी सा होता है। और ये अभी इस वजह से हुआ, अभी हमारे यहाँ देखिए अपने कितनी बारिश और कितना कोहरा वगैरह था, एकदम मतलब मौसम चेंज हो गया था पूरा, धूप निकल नहीं रही थी, धूप न निकलने की वजह से ही ये प्रॉब्लम हमको फेस करनी पड़ती है। तो ये देखिए हमने इस तरह से इसको गीला कर लिया। अब हम इसको लेंगे पाउडर को, जो ये राख का पाउडर है, राख है यानी कि, तो इसको हम लेंगे और थोड़ा थोड़ा अपने प्लांट में स्प्रिंकल कर देंगे। तो यहाँ पर हम इसको रख देते हैं, चम्मच से नहीं बनेगा, आपको इसको हाथ से ही करना पड़ेगा। ये देखिए हाथ से ले करके आप इस तरह से इसमें पूरे में थोड़ा थोड़ा स्प्रे कर दीजिए इस तरह से। ये देखिए इस तरह से अच्छे से आप इसमें, ताकि अच्छे से चिपक जाए। जब इसमें अच्छे से चिपक जाएगा तो बहुत ही अच्छा काम करेगा। आप देखिएगा दो तीन दिनों बाद में इसको, आप एक दो दिन के बाद इसको पानी से धो करके साफ़ कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से पूरे प्लांट को आपको इसी तरह से कवर कर देना है ये राख से। पूरी जो कलियाँ हैं सब ज़्यादा ये कलियों के नोड पर ही होता है, कलियों का जो ऊपरी वाला भाग होता है ये उसी में सब ज़्यादा असर करता है। तो इस तरह से आपको इनको कवर कर देना है, एक अच्छा तरीका है प्लांट को ठीक करने का। और बिल्कुल आपके घर में ये बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, कहीं आपको जाना भी नहीं पड़ेगा। थोड़े से कंडे या लकड़ी जला करके आप उसको बना सकते हैं घर पे भी, और नहीं तो इस समय विंटर में ज़्यादातर कुछ लोग अपने घर में आग भी जलाते हैं तो वहाँ पर भी आपको मिल सकता है। तो ये देखिए हमने सभी कलियों में और सभी जो फ्लावर थे उनमें डाल दिया है। आप पत्तों पर भी थोड़ा बहुत स्प्रे कर दीजिए, पत्तों पर भी लग जाता है कभी कभी। ये देखिए सभी में हमने इस तरह से छिड़क दिया पूरे में। ये देखिए तो हमने इसको पूरे प्लांट को अच्छे से लगा दिया इसमें राख को। अब ये चिपका रहेगा एक दो दिन, उसके बाद देखिएगा ये अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगे और हमारा प्लांट बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। तो फिर आप पानी के सावरिंग थोड़ा सा सावर लेकर के, स्प्रेयर लेकर के आप इसको धो दीजिएगा दो तीन दिन के बाद, दो दिन के बाद। तो चलिए मैं दूसरे प्लांट में भी आपको दिखा देती हूँ। एक प्लांट में मेरे और ज़्यादा अटैक हुआ है। मेरे कलांचो कितने सुंदर दिख रहे हैं, बहुत ही अच्छी ब्लूमिंग चल रही है इनमें। और यहाँ पर देखिए मेरा जो येलो वाला प्लांट है,
इसमें भी नहीं हुए हैं और एक ही पिंक कलर का है इसमें भी नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा प्रिकॉशंस के लिए मैं इनमें भी छिड़क दूंगी। थोड़ा अभी दूर पड़ रहा है तो इसमें मैं बाद में डाल दूंगी आराम से। आपको वीडियो बनाते समय नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि थोड़ा बहुत ज़्यादा पीछे है मेरा प्लांट। एक प्लांट ये देखिए, ये भी बहुत अच्छा हेल्दी है। एक प्लांट जो मेरा थोड़ा अटैक हुआ है, एक ये ट्रिपल लेयर वाला है जो पंचमुखी वाला है, कितना सुंदर फ्लावर आया इसमें भी। ये देखिए कितना प्यारा सा फूल आया हुआ है। और एक हमारा ये नया अभी खिला हुआ है रेड कलर का फ्लावर। तो ये जो मेरा रेड वाला प्लांट है ये बहुत ज़्यादा अटैक हुआ है। ये देखिए कितना ज़्यादा इस पर अटैक हुआ है, एकदम पूरी कलियाँ और फ्लावर इसमें भी खिला है। फ्लावर खिल जाते हैं लेकिन थोड़ा सा उनका जो ये होता है पूरा, ये इसके जो रस को चूस लेते हैं पूरा और उसको देखिए किस तरह से डिसेप कर देते हैं। आज वाला फ्लावर थोड़ा अच्छा सा खिला है लेकिन फिर भी इसके नीचे भी देखिए इस तरह से पूरे चिपके हुए हैं। तो और उसके बाद ये मेरा पर्पल हिबिस्कस है, ये देखिए ये मैंने कटिंग लगाई थी, इसमें भी बहुत ज़्यादा अटैक हुआ है। तो इन सबको भी हमको उसी तरह से उसी प्रोसेस से वैसे ही करना है। पहले हम पानी का स्प्रे करके इसको थोड़ा सा गीला कर लेंगे। और थोड़ा थोड़ा देखिए इसमें भी हुआ है, रेड वाले में भी। तो ये सभी जगह हम इसको पहले गीला कर देते हैं। ये ज़्यादा मतलब पानी की धार से भी ठीक हो जाता है अगर इस तरह से एकदम धार बना के आप पानी डालेंगे। तो उससे भी हो जाएगा, पर उससे क्या होगा, एक बार गिर जाएगा वापस से फिर ये चढ़ करके फिर से पहुंच जाते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हो पाता। ये देखिए जैसे हमने हटा दिया, ये देखिए छूट गया यहाँ से, लेकिन उसके बाद जब हम इसमें फिर से वापस से मतलब कि नीचे गिर जाएंगे उसके बाद वापस फिर चढ़ के पहुँच जाएंगे। तो राख डालना ज़रूरी है, पानी से साफ कर सकते हैं, पानी से धो करके हटा सकते हैं। ये देखिए हमारा जीनिया का प्लांट, मैंने आज इसको धूप में रखा था तो स्पेस कम होने की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। और ये देखिए यहाँ से हम थोड़ा सा इसको हटा देंगे इस तरह से पानी के स्प्रे से ताकि थोड़ा और कवर हो जाए। तो ये देखिए कितना ज़्यादा अटैक हुआ है बिल्कुल। तो बस इसको हमने थोड़ा सा साफ कर दिया और उसके बाद हमको इसी राख को स्प्रे कर देना है। ये देखिए बिल्कुल हम इसको कवर कर देंगे पूरी कलियों को, पूरे जो कलियां और पत्तियां जहाँ जहाँ ब्रांच, जहाँ ब्रांच में आपको दिख रहा है आप वहाँ पर भी इसको लगा दीजिए इस तरह से। देखिए इस तरह से करना है और बाद में आप फिर इसको दो तीन दिन के बाद आप साफ़ कर दीजिएगा। ये देखिए हमने कलियों पर भी लगा दिया तो ये अच्छा काम करेगा। मैं आपको रिजल्ट भी दिखाऊँगी बाद में कि मेरे प्लांट से ठीक हुआ या नहीं हुआ। तो लगभग थोड़ा थोड़ा हम सभी जगह स्प्रे कर देंगे इसका इस तरह से, ये पत्तों पर और कलियों पर चिपक जाएगा अच्छे से। तो ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है, आप भी ज़रूर यूज करिए और अपने प्लांट को इस तरह से ठीक करिए। तो बिल्कुल फ्री का है, बिल्कुल फ्री का फर्टिलाइज़र भी कर सकते हैं। देखिए उसकी वजह से इसकी कलियां भी गिरने लगी हैं। ये क्या होता है, पूरे रस को चूस लेते हैं और यहाँ से कमज़ोर कर देते हैं। ज़्यादातर लोगों को कलियाँ भी इसी तरह इसी वजह से गिरती हैं, जब इस तरह से इफेक्ट्स चिपक जाते हैं तो प्लांट की जो कलियाँ होती हैं वो भी गिरना स्टार्ट हो जाती हैं। तो बस थोड़ा सा ध्यान रखिए अपने प्लांट का और इस तरह से आपके जिस प्लांट में भी लगा हो उसमें भी सभी में आप इसका यूज कर सकते हैं। तो जितने भी आपके प्लांट हैं आप सभी में ये राख का यूज करिए और बिल्कुल अपने प्लांट को हेल्दी बनाइए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।